हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पतंग बांधने का सही तरीका। आप चाहे जितनी अच्छी पतंग ले लो, लेकिन अगर आपने पतंग को सही तरीके से नहीं बांधा तो आपकी पतंग नहीं उड़ सकती। तो आज हम जानेंगे कि अपने पतंग को कैसे बांधें, और इसके लिए आपको एक धागे की मांझे की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको एक हाथ का लेना है, देख सकते हो आप लोग। और हमको क्या करना है कि ये जो हमारी पतंग है, हमको एक यहाँ पे और एक यहाँ छेद करना है, और इतना डिफरेंस लेके अंगूठे के पास एक यहाँ और एक यहाँ छेद करना है। तो चलिए पहले हम लोग छेद कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं माचिस का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो छेद किए हैं, यहाँ पे एक यहाँ किया है और एक जस्ट इसके बगल में किया है। और अब इतने का डिफरेंस लेंगे और इस अंगूठे के पास सेम ऐसे दो छेद करेंगे। तो ये हमने फिर से अपने माचिस को जला लेना है और अच्छे से जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से छेद कर लिया। ये आप देख सकते हैं इतने का डिफरेंस लिया है, यहाँ पे छेद किया है और वैसे यहाँ पे किया है। अब हम अपने धागे को अच्छे से पतंग पे बांधेंगे। सेम इसी तरीके से हम नीचे साइड भी बांध देंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमने अपने पतंग को अच्छे से बांध लिया है। और अब हम अपना मांझे को ये यहां से कनेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम ऐसे हाथ रखेंगे और ऐसे करेंगे कि ये अच्छे से बराबर रहे, और फिर हम लोग यहाँ से इतना वो लेके और इसको अच्छे से यहाँ पे गांठ बांध देंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमने पतंग बांध दिया है। और इस तरीके से आप भी अगर पतंग बांधेंगे तो आपकी पतंग 101% उड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं।